आइए सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हरेंद्र भैया दीदी नीलम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी श्रोता समाज को मेरी पूरी टीम के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें और कमेंट में जय शिव गुरु लिखें, और जो नया लोग आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए, हमारे परिवार श्री धाम में शिव चर्चा का कथा का आयोजन रखा गया है। भजन तो आप लोग बहुत सुनते हैं, पर कहते हैं भजन तो भक्ति में आनंद के लिए होता है, पर जो कथा होता है, शिव चर्चा होता है, उससे ज्ञान मिलता है। तो जरूर सुने। आइए, कैसे हैं पूनम दीदी? कैसे, एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे थे, और माता पार्वती बार बार उनसे पूछ रही थी कि भगवान पृथ्वी पे इस मानव कल्याण हेतु कोई एक उपाय होना चाहिए, जिससे लोग, जिस बहाने से लोग आपका बारंबार नाम ले और गुणगान करें। तब जाके शिव गुरु ने भैया हरेंद्र जी के रूप में अवतार लिए और इस तीन सूत्र का ज्ञान दिए उनको, और उन्होंने भगवान से यही बोले कि मैं पहले आजमाऊंगा, मुझ पे कृपा होगी फिर मैं जनता को बताऊंगा। और वो अजमाए, जब उनको लाभ हुआ फिर अपनी धर्म पत्नी माँ नीलम को बताए, और उन्होंने हम तक, आप तक, सभी तक पहुँचाए, जो आज पृथ्वी पे हर जगह 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 पे, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर जगह शिव चर्चा हो रहा है। तो देख करके नारद जी को आश्चर्य लगा और बोले कि हे भगवान, ये महादेव का ये कौन सा नाम आ गया शिव गुरु, एक बार जाके उनसे मिलना चाहिए। वो गए और बोले, महादेव पृथ्वी पे आपका नाम लोग बहुत ले रहा है, शिव गुरु कर रहा है, ये क्या है? फिर महादेव बोले कि आप खुद ही जाके पृथ्वी पे जाइए, और खेत का किसान हो या जन्म का छोटा बच्चा हो या स्कूल का विद्यार्थी हो या हॉस्पिटल का मरीज हो, हर किसी से, किसी न किसी से आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब नारद जी नारायण नारायण करते हुए धरती पे आए, तो जैसे वो उतरे वहाँ गेहूं का खेत था। गेहूं के खेत में गए, किसान था, पर वो किसान को नहीं टोके, उन्होंने एक बाल तोड़ लिए गेहूं का, और वो बाल तोड़ करके लेकर के ऊपर गए महादेव के पास, और बोले, महादेव मुझे तो कोई मिला नहीं, खेत था वहाँ से मैं एक बाल ले आया हूँ। महादेव बोले कि इसको मीसो, जब मीसे तो उसमें से 12 दाना निकला। महादेव बोले कि जिस खेत का तुमने ये बाल तोड़ा है, क्या उससे पूछा था? बोले, नारद जी बोले, नहीं बाबा मैं तो नहीं पूछा। तो बोला, बिना पूछे किसी का चीज छूना, छूने में भी गुनाह है, और आपने बहुत बड़ा पाप किया है, ये चोरी हुआ। अब आप जाइए और उस धरती पे जो किसान होगा उस खेत का, उसके घर में आप 12 साल नौकरी कीजिए, तब जाके ये दाना का भाव।
उद्धार पाई होगा। अब नारद जी आए और जैसे ही आए पता लगाए, किसान भैया मिले, उनको बोले मुझे अपना घर ले चलिए। घर पे आए तो बोले कि मैं आपके यहाँ काम धंधा करना चाहता हूँ। किसान भैया बोले कि मेरे पास इतना सक्षम नहीं है कि मैं नौकर रखूँ। तो बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे आप लोग खाते हैं वैसे खाऊंगा और काम धंधा करूंगा, मुझे रहना है। मैं आपसे पूछने नहीं आया हूँ कि आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मुझे रहना है। बोले किसान भैया कि ठीक है। अब वो रहने लगे, उनके यहाँ दरबारी करने लगे। जब वो खेत में गए, रात का समय था, तो देख रहे हैं जो चोर सब पूरे पूरे खेत गेहूं को काट रहा है, काट काट के गिरा दे रहा है। तब वो आश्चर्य में पड़ गए और बोल रहे हैं, हे महादेव, हेतना के हेतना तो फिर हेतना के केतना। 12 दाना मैं ले गया तो मुझे 12 साल नौकरी करना पड़ रहा है, और जो ये खेत के खेत काट रहा है इसको कितना बड़ा पाप लग रहा होगा। जब बोल करके आके घर में सोए हैं तो रोने का आवाज आया। बहुत दुख की बात थी कि उस गुरु भैया किसान के पत्नी को संतान नहीं था। तो वो उठ के बैठ गए, फिर गौर किए कि कहाँ से रोने की आवाज आ रही है, तो फिर सुनाई दिया कि आंगन से रोने की आवाज आ रही है। आवाज लगाए, हे शिव गुरु। वो बहना आ गई बाहर कि ये भी शिव का शिष्य लग रहा है। बोले, ए भैया, आप भी शिव के शिष्य हैं क्या? तो हाँ, मैं भी हूँ। आप भी हैं क्या? तो हाँ। तो आप रो क्यों रही हो? बोली कि शिव गुरु ने हमें सब कुछ दिए, आज तक हमें एक संतान नहीं हुआ। बोले कि ठीक है, कल पूर्णमासी है, आप तैयार रहना, मैं आपको गंगा नहाने ले चलूँगा और फिर आपको जरूर होगा संतान। फिर वो बहना तैयार हुई, सुबह के समय गई। किसान बोले कि ए भैया, ले जा रहा है, सही से ले जाना और सही से नहला के ले आना। अब गई वो, और जहाँ गंगा का घाट था वहाँ पे सब लोग नहा रहे थे। जय जय। उसने छोटा सा एक उसके बगल में नदी सा था, उसमें कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा था। वो ले गया और गुरु बहिना को उसी में ढकेल दिया। जय हो। गुरु बहिना गिर गई, पूरे देह में उसके कीचड़ लग गया। और आई वो चिल्लाने लगी गुरु भैया पे कि पता नहीं क्यों आ गया मेरे आंगन में, मुझे कीचड़ में गिरा दिया, पूरा कीचड़ लग गया। वो हंस रहे हैं पागलों के तरह। फिर लेके आए घर, बोले रानी, अब नहा लीजिए आप घर में जाके। नहाए, शिव गुरु के कृपा से एक साल बाद उनके घर में भगवान संतान दिए। फिर बोले नारद जी का 12 वर्ष पूरा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि गुरु भैया, अब मुझे आपसे छुट्टी चाहिए। तो बोले कि नहीं नहीं, आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप आए मेरे घर में तो शिव गुरु के कृपा से और आपके आने से मेरे घर में संतान हुआ, अनधन का भंडार भरा है, आप मत जाइए। बोले कि नहीं, मुझे तो जाना ही होगा। बोले कोई बात नहीं, आज तक आप ऐसे काम कर रहे थे, आज से हम आपको तनख्वाह देंगे, जो चाहिए वो देंगे, लेकिन आप जाइए मत। फिर जुर्म 12 बजे रात से पहले उनको निकलना था, तो कह रहे हैं, हे शिव गुरु, जब तक आप प्रकट नहीं होंगे और आप अपना परिक्रमा महिमा नहीं दिखाएंगे, तब तक मुझे इस बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगा। फिर शिव गुरु साक्षात प्रकट हुए और
उस गुरु भैया गुरु बहिना से बोले कि आपका कर्ज था इसके ऊपर जो आज इसका समाप्त हो गया और आपके घर में अन्न धन से परिपूर्ण बाल बच्चे से परिपूर्ण खुशहाल परिवार दे दिया, अब आप इसे मुक्त कीजिए। फिर दोनों शिव गुरु के शरण में गिर गए और बोले कि हम तो अभागे हैं, आज इस गुरु भैया के वजह से, इस नौकर के वजह से प्रभु आपका दर्शन हुआ, मैं तो कृत्य कृत्य हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया। जैसे शिव गुरु मेरा घर बसाए, मेरी पत्नी को, यानी मुझे संतान नहीं था, मुझे संतान दिए, धन धान्य से घर भर दिए, ऐसे सभी गुरु भाई बहन को कृपा करें, घर भरें और घर बसाएं। तो इस पे एक गुरु बहिना भजन गा रही है छोटा सा। तीन घंटा के लिए इसी बचड़ चाहो गुरु हाजरी लगा दा, तीन घंटा के लिए इसी शंकर भगवान की।